अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं एक नए जायके के साथ, नई रेसिपी के साथ। आज आप देख सकते हैं, हम लोगों ने ये मिट्टी की हंडी हंडी रखी हुई है यहाँ पे बहुत स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन निहारी। चिकन निहारी बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए, सबसे पहले हम लोगों ने मिट्टी की हांडी ले ली है। इसमें हम लोगों ने 1 प्याली ये घी हम ले लिया है, ये हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। कोशिश करें कि अगर आपके पास घी है तो आप लोग घी ही ऐड करें, ऑयल आप लोग नहीं लें। अगर घी नहीं है तो देन आप लोग फिर इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ये हम लोगों ने घी ले लिया है। अब हम लोगों ने इसमें ले लेना है प्याज। हमने प्याज काटा हुआ है तकरीबन 2 से 3, ये हम लोगों ने प्याज इसमें ऐड कर देने हैं। अब हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से करना है मिक्स। तकरीबन 5 से 7 10 मिनट तक तकरीबन हम लोगों ने इसको जरा हल्का सा ब्राउन करना है। जैसे ही हल्का सा ब्राउन होगा, नेक्स्ट में हम लोगों ने इसमें चिकन ऐड कर देना है। ये हम लोगों ने प्याज ऐड कर दिया है। बहुत ही आसान, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, फटाफट से झटपट तैयार होने वाली है। और ईद गुजर चुकी है, बहुत अच्छी आप लोगों की ईद गुजरी होगी। कॉमेंट्स में बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या बनाया। हाँ, और कहाँ कहाँ आप लोग घूमने गए? अब हम लोग का ईद खत्म हो चुकी है, बैक टू वर्क, अपने अपने कामों पे वापस जाएं। हम लोग भी आ चुके हैं अपने काम पे वापस। आप लोग मेहंदी अभी देख सकते हैं हाथों पे लगी हुई, इतनी प्यारी प्यारी मेहंदियां, चूड़ियां। किस किस ने मेहंदी लगवाई थी कमेंट्स में बताइएगा, और अपने पिक्चर जरूर सेंड कीजिएगा कि आपकी मेहंदी कैसी लगी और उसका कलर कैसा आया। ये ईद की रौनकें होती हैं, ईद की बहारें होती हैं, ईद की छोटी छोटी खुशियां होती हैं, जिससे हमें ईद मनाने का, ईद सेलिब्रेट करने का बहुत 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 मजा आता है। खैर, ये अब हो चुका है प्याज, अब हमारा हो रहा है। जैसे ये हल्का सा येलो येलोइश में आएगा, या हल्का सा ब्राउनिश में आएगा, ब्राउनिश में तो हमने लाना ही नहीं है बल्कि येलोइश में ही आएगा, तो हम लोगों ने इसमें चिकन ऐड कर देना है। जैसे ही होता है फिर हम आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं, सॉरी अजान शुरू हो गई थी तो मुझे इसलिए चुप होना पड़ा। तो आप देख सकते हैं इसमें प्याज हमारा हल्का येलोइश हो गया था, हम लोगों ने इसमें चिकन ऐड कर दिया था। चिकन ऐड करने के साथ ही हम लोगों ने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट थी हमारे पास, वो हम लोगों ने इसमें ऐड कर दी थी। अब जैसे ही ये हल्का सा होता है कलर चेंज करता है चिकन हमारा, मजीद हम इसमें चीजें ऐड कर देते हैं। अभी हमने हल्का सा इसको फ्राई करना है, फ्राई जैसे ही होता है फिर हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम लोगों ने लेनी है हमारे पास स्पाइसी सॉल्ट, टर्मेरिक पाउडर एंड रेड चिली पाउडर, नमक, हल्दी और सुरख मिर्ची हम लोगों ने इसमें ऐड कर दी। हम लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं लेना क्योंकि हम लोगों ने इसमें ऐड करना है शान का निहारी मसाला। शान इज ऑलवेज बेस्ट, तो इसमें हम लोगों ने शान का निहारी मसाला ऐड करना है। हम लोगों ने पूरा पैकेट इसमें ऐड नहीं करना, हाफ पैकेट हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करके अच्छी तरह से थोड़ा सा भून के हम लोग इसमें हम लोगों ने ऐड कर देना है पानी और इसको ढक के छोड़ देना ताकि अच्छी तरह से चिकन हमारा टेंडर हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं घी हम लोगों ने ज्यादा डालना है, आपको पता है निहारी में घी ज्यादा ही होता है। ये हम लोगों ने इसको हल्का सा भून लेना है, भून के फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है पानी। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से भुन चुका है, माशाल्लाह से कलर इसका बड़ा प्यारा सा, बड़ा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है पानी ताकि अच्छी तरह से मर्द चिकन है वो टेंडर हो सके। ये तकरीबन हम लोगों ने तकरीबन एक जग इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। अब हम लोगों ने इसको कवर करके ऊपर से इसको हम लोगों ने स्लो स्लो फ्लेम पे पकने देना है। जब हमारा चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाता है फिर नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं हम लोगों ने क्या करना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने इसको मिक्स करते जाना है ताकि जो हम लोगों ने इसमें प्याज भी ऐड किया था वो भी अच्छी तरह से इसके साथ ही मिक्स हो जाए। अब हम लोग इसको कवर कर देते हैं ऊपर से तकरीबन आधे घंटे के लिए, और ताकि चिकन हमारा टेंडर होता है फिर हम आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह से दिखाते हैं। देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल माशाल्लाह से चिकन हमारा हो चुका है रेडी। अब बिल्कुल चिकन हमारा कुक हो चुका है। अब हम लोगों ने इस लेवल पे डालनी है, ये हम लोगों ने रेडी की हुई है इसकी आटे और पानी का मिक्सचर, ये हम लोगों ने इसमें ऐड करना है। ये इसमें हम लोगों ने ऐड करके इसको साथ साथ हम लोगों ने करते जाना है मिक्स। ये हम लोग इसमें थोड़ी सी डालते हैं
इसको करते हैं मिक्स, एकदम से हम लोगों ने इसमें ऐड नहीं करना, इतनी आप लोग इसको गाढ़ी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आपने इसको इसमें इस मिक्सचर को इसमें ऐड कर देना है। अगर आप थोड़ी सी जरा थिन रखना चाहते हैं तो थिन कर लें, अगर आप थोड़ा सा जरा गाढ़ा इसको करना चाहते हैं ये आपकी अपनी मर्जी। और इसको आपने इसको मिक्सचर डालने के बाद कम से कम 5 मिनट आपने इसको पकते रहने देना है ताकि जो आटा हम लोगों ने इसमें ऐड किया है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं इस लेवल तक हम लोगों ने इसको गाढ़ा किया है, बहुत ज्यादा हम लोगों ने गाढ़ा नहीं किया। और इतनी मजे की, इतनी जबरदस्त ये बनके हुई है तैयार। इस रेसिपी को जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा। ये इतना हम लोगों ने इसको गाढ़ा किया। अब हम इसको कर देते हैं साइड पे। ये अब हम लोगों ने प्याज को ऊपर घी डाल के प्याज को ऊपर फ्राई होने के लिए रख दिया है। जैसे ये प्याज हमारा ब्राउन होता है हल्का हल्का हम इसको रिमूव कर देते हैं। और फिर हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। ये आप देख सकते हैं ये प्याज हमारा इस तरह से ब्राउन हो चुका है। हम लोगों ने इसको बिल्कुल ब्लैक नहीं करना। इस लेवल पे हम लोग इसको फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं। प्याज हरी बन के हो चुकी है रेडी। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट हमारा ये चिकन हो गया है माशाल्लाह से। ये आप देख सकते हैं ये आपके सामने है। ये इसको हम लोगों ने इनको डिश आउट करते जाना है। इसी तरह से हम बाकी जो चिकन के पीसीज हैं कुछ वो लेके वो डिश में निकालते हैं। और जो ग्रेवी है वो हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। इसको हम लोगों ने ऐसे इसके ऊपर ऐड कर देना है। ये आप देख सकते हैं इतनी मजे की, इतनी जबरदस्त हमारी निहारी हो चुकी है बनके रेडी। आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी जबरदस्त है। इसी के साथ हम लोग इसको अब करते हैं गार्निश। गार्निश करने के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो इस तरह से है। ये हम लोगों ने प्याज, हरा धनिया और पुदीना ये ले लिया है अदरक स्लाइसेस में। ये हम लोगों ने जो ऑयल इसका रखा था इसमें प्याज फ्राई किया था, आप चाहे तो इसके ऊपर ऐड कर दें, चाहे तो ऑलरेडी वैसे इसके ऊपर ऑयल आ चुका है लेकिन हमने हल्का सा फिर भी इसमें ऐड कर दिया है। उसके अलावा हम लोगों ने जिंजर, हरा धनिया और प्याज इसके ऊपर गार्निश के लिए डाल दिया है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी।